वेल हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं शाहरुख खान की जो अपकमिंग मूवी है जवान, उसका एक गाना आया था जिसका नाम है जिंदा बंदा, उसके बिहाइंड द सीन के वीडियोस को, जवान फिल्म के इस गाने को कैसे फिल्माया गया है अब बिहाइंड द सीन देख सकते हो। इस गाने में महंगी महंगी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है और शाहरुख खान के जो बैकग्राउंड डांसर है उनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है। जो फीमेल डांसर है उनके लिए कपड़े खुद से ही अरेंज किए हैं मेकर्स ने। इस गाने की पूरी शूटिंग चेन्नई में ही की गई है, जहां पर बड़े बड़े सेट बनाकर शाहरुख खान को रिहर्सल करते हुए देख सकते हो। इसके अलावा शाहरुख खान ने तमिल और हिंदी में अलग अलग परफॉर्मेंस दिए हैं, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर अतुल कुमार का कहना है कि तमिल ऑडियंस को इंगेज करने के लिए शाहरुख खान का लिप सिंगिंग होना चाहिए तमिल में। वीडियो में आप इस इमेज को देख सकते हो जहां पर तमिल के कुछ वर्ड लिखे हैं, जहां पर शाहरुख खान को समझाते हुए अतुल कुमार नजर आ रहे हैं। जिंदा बंदा के जो स्टेप्स हैं उससे कोरियोग्राफ किया है सोबी पाउलराज ने, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के माने जाने कोरियोग्राफर में से एक हैं। इसीलिए इस सॉन्ग को देखते समय साउथ वाली फीलिंग आती है। बिहाइंड द सीन इस गाने का शानदार सेट आपको दिखाई दे रहा है। इन सब को मिलाकर इसका बजट 15 करोड़ हो जाता है, जो कि बॉलीवुड में अब तक का सबसे महंगा सॉन्ग है। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो सबसे महंगे गाने में यह गाना दूसरा नंबर पे है। पहला नंबर पे रोबोट 2.0 का एक गाना है जो रजनीकांत और एमी जैक्सन के साथ आया था। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि गाने में जो जेल दिखाया जा रहा है इस गाने में ही फिल्म का क्लाइमेक्स होगा और इस जेल से SRK का कुछ खास कनेक्शन होगा। इस गाने के सिंगर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र हैं, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महंगे सिंगर में से एक हैं, जिन्होंने अरबी कुथु जैसे सॉन्ग को कंपोज किया था। इस सब के अलावा शाहरुख खान ने जिस एनर्जी से इस गाने में डांस किया है उस एनर्जी को देखकर लोग दंग रह गए थे कि 57 साल की उम्र में भी कोई ऐसा डांस कर सकता है। शाहरुख खान और अतुल कुमार एक जैसे ड्रेस भी पहने हुए हैं। बाकी आज के लिए इतना ही और मिलते हैं रजनीकांत की जेलर मूवी के बिहाइंड द सीन की वीडियो के साथ।